सो व्हाट्सअप माय डियर क्रिएटर्स, इट्स मी योर टेक्निकल दुरिया। सो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कैसे प्रिज्मा 3D के लिए 3D मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हो। देखो, वैसे हम प्रिज्मा 3D में जब भी जाते हैं तो हमें कुछ ही मॉडल देखने को मिलते हैं, लाइक क्यूब हो गया, ये जो स्प्लेंडर हो गया, सिलेंडर हो गया, यही कुछ देखने को मिलते हैं। बाकी इसमें कोई भी मॉडल्स नहीं देखने को मिलते हैं। अगर आप स्टोर में जाते हो तो गिने चुने कुछ मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं। सो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप 3D मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हो, वो भी अपने प्रिज्मा 3D के लिए हाई क्वालिटी के मॉडल्स डाउनलोड करना सिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वेबसाइट पर जाना होगा। इधर चलो मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। इधर जो सर्च वाला ऑप्शन देखने को मिलता है ना, इधर आपको क्या लिखना है, रिग मॉडल। मैं लिख देता हूँ रिग मॉडल्स। ये जैसे लिखोगे तो आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाने वाली है। बट जो फ्रंट में वेबसाइट आ रही है ना, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है और जिस भी टाइप का आपको 3D मॉडल्स की ज़रूरत है, एनिमल की हो, हाउस की हो, कार की हो, जिस भी टाइप की जरूरत हो, इधर आप क्लिक कर देना। लाइक मैं इधर सिंपल सा लिख देता हूँ कार्टून, लिख देता हूँ कार्टून का कोई भी देख लेते हैं हमारे पास कैसे आते हैं। तो इधर मैंने कार्टून लिख दिया और इसे सर्च कर दिया। जैसे मैं सर्च करता तो मेरे सामने देखो काफ़ी सारे मॉडल्स आ चुके हैं। ये देखो, अब इनको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ और अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ। मेरे को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलने वाली है। डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। लाइक मैं इसमें से चलो एक मॉडल को डाउनलोड कर लेता हूँ। कौन से करें, इस नीचे स्क्रॉल करते कोई कार वाले या कुछ और डाउनलोड कर लेंगे। देखो काफ़ी सारे आ रहे हैं, जैसे कि जो बनी वाला है ना, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जस्ट मैंने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद मेरा डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा। देखो इस पर मैंने बस क्लिक कर दिया। अब देखो काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाने वाले, बट नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये डाउनलोड वाला ऑप्शन देखने को मिलता है ना, ये जो डाउनलोड OBJ लिखा हुआ है, ये वाला। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। मैं इस पहले कट करूँ, ये जो आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन है ये, इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद आप कुछ ही टाइम के लिए वेट करना होगा, उसके बाद आपका जो मॉडल है प्रिपेयर होकर आपका डाउनलोड हो जाने वाला है। ये लिख रहा है ना, डाउनलोडिंग स्टार्ट आफ्टर 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4, 3, 2, 1। ये जैसे ही कंप्लीट होता है आपका पास आपका मॉडल आ जाने वाला है, जिसको आपको OBJ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। ये देखो ये डाउनलोड भी आ चुका है। इसमें मैं जस्ट क्लिक करता हूँ, देखो ये वाला अपना मॉडल। अब क्या करना है, काफ़ी लोगों को इसके बाद का प्रोसेस नहीं पता होता है, सो मैं आज बताने वाला हूँ। सिंपल सा आपको इस मॉडल पर क्लिक करना है, उसके बाद ये आपको गैलरी में भेज देने वाला है। देखो आपको क्या करना है, ये जो एक्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन ना, इस पर क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट से ये होगा कि इसके जो टेक्सचर हो गए प्लस इसका जो मॉडल है वो अलग हो जाएंगे। मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया अपना, ये हो चुका है। अब एक और वेबसाइट आपको दिखाने वाला हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, ये मॉडल वर्क करता है कि नहीं ये मैं दिखा देता हूँ। प्रिज्मा 3D को मैंने ओपन किया है। अभी तक जो 3D इम्पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है ना, जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर जैसे क्लिक करता हूँ मेरे फाइल में भेज देने वाला है। अब मेरा जहाँ पर भी वो मॉडल सेव हो, भाई हमने तो डाउनलोड वाले सेक्शन में किया था, सो वो डाउनलोड वाले में आने वाला है। देखो ये रहा वो मॉडल, जस्ट मैंने इस पर क्लिक करा है, उसके बाद मेरे पास कुछ फाइल्स आ जाएंगी। देखो काफ़ी सारे फाइल्स आ चुके हैं। अब इसमें आपको दो फाइल देखने को मिलता है, एक ये वाला देखने को मिलता है, एक ये वाला देखने को मिलता है। सब दोनों को देख लेना, जो भी वर्क करे उस पर आप क्लिक कर देना। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर दिया हूँ, अभी देखो हो चुका है ना प्रिपेयरिंग 3D मॉडल। देखो अपना मॉडल जो है आ चुका है। अब क्या करना है, अपने को सिंपल से इसमें टेक्सचर देना है। टेक्सचर देने का प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही है, जिसको नहीं पता है सो मुझे कमेंट कर देना, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उसको पता लग जाएगा कि आखिर आप लोग टेक्सचर कैसे दे सकते हो अपने 3D मॉडल्स में। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि भाई हम टेक्सचर वगैरह कैसे बना सकते हैं, तो वो टेक्सचर बनाने के लिए आप नोमैड एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, सो वहाँ से आराम से बन जाता है। अब देखो ये देखो अपना मॉडल आ चुका है। अपना क्या प्रॉब्लम हुई, कुछ भी नहीं, सिंपल सा हमने मॉडल डाउनलोड किया, इधर यूज़ कर लिया और हमें कोई भी कॉपीराइट देखने को नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया बात ये है। अब चलो आपको दूसरे वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, जिधर से आप और भी अमेजिंग हाई क्वालिटी के 3D मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल से इधर आपको लिखना है स्केचफैब, SKET स्केचफैब। जैसे आप लिख देते हो तो आपके सामने फिर से काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाने वाली, बट ये जो टॉप पे वेबसाइट आएगी ना, सिंपल यही वाले पे क्लिक करना। सब लोगो वगैरह देख लो, यही लोगो है, इसी वेबसाइट पे जाना और किसी भी वेबसाइट पे मत जाना। इस पे जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके इसके बारे में पढ़ सकते हो, किस टाइप के मॉडल इसमें मिलेंगे, क्या आपको 3D मिलेंगे, 4D मिलेंगे, 5D मिलेंगे, सब कुछ इधर पढ़ लेना। अब देखो सिंपल से मैंने क्या करना है, जो सर्च वाला ऑप्शन है ना, जस्ट मैंने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद मैंने मोटो और पतलू कुछ मॉडल्स लेने हैं। जैसे कि मैंने इधर सर्च वाले पे क्लिक किया, एक्सेप्ट पहले कर देता हूँ क्योंकि ये कुकीज वगैरह कह रहे हैं, सो एक्सेप्ट करना परमिशन अपने को पड़ेगा। अब इधर देखो मैं मॉडल लिख देता हूँ मोटू। अब मोटू जैसे लिखते हो तो अपने सामने मोटू के काफ़ी सारे करेक्टर्स आ जाने वाले हैं। मोटू लिख दिया हूँ, अब इस तरफ मैं गो वाले पे क्लिक कर दिया हूँ, इसे मैं कट करता हूँ। अब नीचे देखो हल्का सा मैं स्क्रॉल करूँगा और अपने को मोटू का मॉडल देखने को मिल जाएगा। ये देखो मोटू का मॉडल देखने को मिल गया। आज क्या करना है, मैंने इसे डाउनलोड कर लेना और नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो मोटू का मैप जो नहीं होता, मोटू का जो मैप होता है, कौन सा फुरफुरी नगर, ये वाला है, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल करोगे पतलू का भी देखने को मिल जाएगा, प्लस उसके जो है ना कुछ मॉडल जो उसी कार्टून में देखने को मिलते हैं, वो भी मॉडल्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। मोटू, पतलू, डॉक्टर झटका, घसीटा राम, ये सारे मॉडल्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे और जितने मिलेंगे सारे हाई क्वालिटी के मिलने वाले हैं। मैं इधर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस पर जैसे क्लिक किया, आप नीचे स्क्रॉल करते हैं और आपको प्रिज्मा 3D के लिए अगर चाहिए होगा तो OBJ डाउनलोड करना,
अगर आप किसी और वर्जन में हाई क्वालिटी यूज़ करते हो लाइक ब्लेंडर वगैरह के लिए, तो उसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है, सो आप डिफरेंट कर सकते हो। वैसे OBJ भी वर्क करता है। देखो इधर जो डाउनलोड 3D मॉडल ना, नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये ऑप्शन है, सो मैंने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, देखो ये आ चुका है कि अपना जीमेल वगैरह इसमें भरूँ। सो उसको मैं सिंपल से भर देता हूँ, उसके बाद अपना इधर डायरेक्ट मुझे लॉगिन कर देने वाला और डाउनलोड वाला आ जाने वाला है। देखो मैंने अपना एक ईमेल जो है सिलेक्ट कर लिया है। अब मेरे सिलेक्ट करते ही ये जो है मेरा मॉडल जो है डाउनलोड हो जाएगा। देखो ये आ चुका है। अब क्या करना है, सिंपल से मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ। कॉन्टैक्ट विद फेसबुक कह रहा है, ऐसे आपको कॉन्टैक्ट करके फेसबुक वगैरह के साथ जो भी लॉगिन वगैरह कहेगा, जो आप वो लॉगिन वगैरह कर लेना है। इधर से आप 3D मॉडल्स को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा ये वर्क नहीं कर रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम हो सो आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं उसका जो सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा तो मैं बता दूंगा भाई ये ऐसे सॉल्व होगा, आप ऐसे सॉल्व कर लो। सो आज की वीडियो इतनी, मिलता है अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।